देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात हो रही थी तो एक इंटरेस्टिंग रिसर्च थी इस पर, वो ये कि जब हम बात करते हैं तो हमारी जबान हमारे मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों को टच करती है। आप बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जबान कहाँ टच की? ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही जगह को कितनी बार? चार दफा। ठीक है, तो ये एरिया जो है इसके अंदर कुछ यानी कि बहुत हसास किस्म के रिसेप्टर्स हैं। अगर आप जबान फेर के देखें तो एकदम आपको उसमें खुजली सी होगी, ऐसे करें, खुजली होती है ना। ठीक है, अब जब हमारी जबान 100 दफा मसलन पढ़ो, 400 दफा इसी एरिया को टच कर रही है, तो यहाँ स्टिमुलेट भी है। ये असल इल्म तो अल्लाह ही के पास है कि वो जाके किस एरिया को स्टिमुलेट करता है और वो स्टिमुलेशन हमारे किस किस हिस्से के जिस्म को फायदा देती है, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, क्योंकि रूह और जिस्म भी गुंधे में आपस में, कैसे कैसे मर्जों और खौफ और गम का इलाज ही हो सकता है। तो शौरी तौर पर कभी हमने इस पर सोचा भी नहीं ना कि हमारी जबान कहाँ टच कर रही है, क्योंकि हम इतने मसरूफ होते हैं बोलने में कि मखरज को देखते ही नहीं। तो कहते हैं कि जबान की हल्की सी जो जुम्बिश होती है यहाँ, उससे रिसेप्टर्स काम करने लगते हैं। और ये बात भी पता चली कि जब हमारे मुंह में खाना होता है तो इन्हीं पॉइंट्स पर प्रेशर की बदौलत खाना निकलने में मदद मिलती है। निकले जरा ऐसे ही, पूरी जबान ऊपर के हिस्से को प्रेस कर रही होती। तो कहते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह बोलने पर जबान की नोक ऊपर के दांतों के पीछे वाले हिस्से में तालू से हल्का सा टच करती है, जो कि यहाँ झिल्ली के नीचे पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। तिर्मिजी की एक हदीस के मुताबिक बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलिमा बोलते हुए एक मखसूस हिस्सा 4 बार टच होता है, जो हैरान कन तौर पर एक मखसूस रिदम के साथ होता है। यानी एक तो होता है ना, मतलब बहुत सी बातें करें तो इस वक्त मैं बोल रही हूँ, आप दिल में कुछ भी बोलें तो जबान एक ही हिस्से को नहीं टच कर रही, मुख्तलिफ बातें करते हो, मुख्तलिफ, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी पीछे, कभी आगे। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह जब कहते हैं तो कहीं और टच नहीं करती, एक ही हिस्से को टकोर रही होती है ना। और फिर एक मखसूस वक्फे के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, एक रिदम है उसमें ना, उसके टच करने में जो बीट है। तो इससे ये पता चलता है कि अल्लाह सुबहानु ताला ने जो कुछ भी हमें दिया उस सब में हमारे लिए खैर और भलाई है। वो हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं, लेकिन उसमें खैर ही खैर है। तो हमारा काम क्या है कि जो हमें कुरान और सुन्नत से रहनुमाई मिले उसे खुश दिली से कबूल करके वो करना शुरू कर दें। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बेहतरीन जिक्र है तो दिन में कितनी दफ़ा कम अज़ कम पढ़ लेना चाहिए? कम से कम तो 100 दफ़ा पढ़े। लेकिन हम गाफिल होते हैं, हम नहीं पढ़ते। तो हो सकता है हमारी बहुत सी बदअखलाकियों और खराबियों की इसलाह इसी जिक्र की बदौलत हो जाए। तो जब हम जिक्र से गाफिल होते हैं तो शैतान मुसल्लत हो जाता है। मैं यअशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। और जब शैतान साथी बन जाता है तो फिर उसकी क्या खराबियाँ होती हैं? अनगिनत। वो आपको हर बुरा काम से जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा जिक्र है जो मख़फ़ी तौर पर भी आप कर सकते हैं। मसलन आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं और अंदर अंदर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, सब पढ़ें। क्या आपको पता चल रहा है मैं पढ़ रही हूँ? मुंह बंद करने की जरूरत पेश नहीं आती और आपकी सिर्फ जबान हिलती रहे। और इतना आसान कलिमा ना कि मरते वक्त अगर जान यहाँ से भी निकल रही है ना आखिर में, तो सिर्फ आप जबान हिला सकते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं आखिरी वक्त। यानी कुछ जिक्र ऐसे हैं कि जब आप लोगों के बीच में बैठ के करें तो वो नोटिसेबल होंगे, लेकिन ये आप बैठ के करते रहे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप जिक्र कर रहे हैं। कुछ सवाल पिछले